और जिनका मन कंट्रोल है वे खुश भी बहुत रहते हैं, बड़ी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। खुशियां पैसों से नहीं मिलती और खुशियां झोपड़ी में भी नहीं मिलती। कोई सोचता हो कि हम गरीब हैं तो बड़ी खुशी खुशी उसी कुछ नहीं, तुम तो सब्जी और मिर्च मसाले में ही उलझे रहोगे। ज़्यादा गरीबी भी बहुत उलझन का कारण है। खुशियों का संबंध गरीबी और अमीरी से नहीं, खुशियों का संबंध तुम्हारी समझदारी से है। और घर में यदि सभी समझदार हैं तो खुशियाँ पर्याप्त रहेंगी। आपके घर में परिवार में एक भी सदस्य यदि नासमझ है तो आपको उलझन का इंजेक्शन मारता रहेगा। और कुछ ऐसा किस्मत का खेल है, सबके घर में एक न एक दुष्ट पैदा हो जाता है और वो एक दुष्ट सबको हैरान करता रहता है। वो कुछ न कुछ ऐसा करता रहेगा, या तो सोता रहेगा ज़्यादा तो तुम्हें चिंता रहेगी इसकी ज़िंदगी का क्या होगा, नहीं सोएगा ज़्यादा तो घूमता रहेगा इधर उधर, कहीं पूछोगे कहाँ घूम रहे थे, बोले क्यों बताऊँ, तुम बचपन में घूमते थे तुमने नहीं बताया आज तक हमको। तर्क वितर्क करेगा उल्टा पलटा और छोटी उम्र में ही दारू पी लेगा। तुम्हारा मन बड़ा दुखी हो जाएगा कि अभी 18 साल का है दारू पी कर आया, ये क्या क्या कुकर्म कर रहा है। तुम उससे बेहद दुखी हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं अगर खुद सुखी होना चाहते हो तो खुद को तो सुधारना ही है, लेकिन आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनका भी सुधार जरूरी है। उनको भी भक्ति में जोड़िए, सत्संग में जोड़िए, उनका जब परिवर्तन होगा तब तुमको शांति मिलेगी। राजस्थान में प्रवचन चल रहा था, प्रवचन के तीसरे दिन तीन बहुएं धन्यवाद देने के लिए व्यास गद्दी पर आईं। कहा आपको धन्यवाद है स्वामी जी, हमको बड़ी शांति मिली। तो हमने कहा सत्संग से शांति मिली। बोले सत्संग में तो हम आए नहीं थे, हम तो केवल धन्यवाद देने आए हैं। तो हमने कहा तो शांति कैसे मिल गई, और अगर सत्संग में बिना आए शांति मिली तो मुझे धन्यवाद क्यों दे रही। बोले हम नहीं आए, हमारी सासू जी दो दिन से आपका सत्संग सुनती है और सासू जी में सुधार हुआ है तो शांति हमको मिली। अब उनको शांति मिल गई, वो धन्यवाद दिया। तो हमने कहा तो तुम भी सुन लो सत्संग, तो तुम्हारे में सुधार हो तो सासू को भी शांति मिल जाए। बोले हमारी उम्र अभी कहाँ सत्संग सुनने की। कितने लोग सोचते हैं कि हमारी उम्र नहीं सत्संग सुनने की, बुढ़ापे में सत्संग सुनना चाहिए। मैं मानता हूँ कि बुढ़ापे में भी सुनना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा सत्संग तो जवानी में सुनना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा सत्संग 14 साल की उम्र से सुनना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि 14 साल की उम्र में पुरुष जवानी में प्रवेश कर जाता है और 13 साल की उम्र में लड़कियां जवानी में प्रवेश कर जाती हैं, और जवानी एक आंधी और तूफान है, और जवानी में संभल ना सके तो याद रखना जवानी तुम्हें इंसान नहीं रहने देती है, शैतान बना देती है। इसलिए उस समय अगर सत्संग मिल जाए तो तुम्हें संभलने की शक्ति मिल जाती है, फिर तुम जवानी में इंसान से महान बन जाते हो और महान से भगवान बनने की ओर यात्रा शुरू कर देते हो। भगवान राम को बचपन से ही गुरु वशिष्ठ का सत्संग मिला, जवानी में जब प्रवेश किया तो विश्वामित्र का सत्संग मिला, जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो भरद्वाज का भी सत्संग मिला, वाल्मीकि का सत्संग मिला, अगस्त मुनि का सत्संग मिला। सत्संग तो कहीं मिल जाए, और कभी कभी आपकी पत्नी भी सत्संग के शब्द बोल सकती है, लेकिन पत्नियों की बात को कोई सुनता नहीं। सबसे बड़ा दुख पत्नियों को यही होता है कि हमारे पति जी हमारी बात सुनते नहीं। तो उनसे पूछो क्या तुम्हारे पति जी बहरे हैं, बोले बहरे नहीं हैं, सबकी सुनते मेरी नहीं सुनते। तो क्यों नहीं सुनते, बोले पता नहीं क्यों नहीं सुनते। अगर तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली की बात को न सुनते तो शायद तुलसीदास इतने महान संत और महान कवि नहीं बन पाते, आज उनकी रामायण घर घर में ना होती। रत्नावली ने ही उनको ज्ञान दिया था, कितनी नारियों को भी बहुत ज्ञान होता है। हमारी माँ ने हमको ज्ञान दिया था संत बनने का, यदि उसका ज्ञान हम न लेते तो हम संत नहीं बन पाते, उसके ज्ञान से ही हम संत बने थे। उसने कहा था बस पढ़ाई पूरी कर लो फिर घर छोड़कर भाग जाओ, और घर की तरफ मुड़कर देखना नहीं, और दुनिया में कहीं रहना
त्याग वैराग्य संयम नियम ब्रह्मचर्य से रहना, व्रत का सही पालन करना, तुम्हारे द्वारा करोड़ों लोगों को संदेश मिलेगा। तुम इस माया में उलझने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने सोच लिया था कि मेरा कोई ऐसा बेटा पैदा हो जो महान संत बने और सबको ज्ञान की बातें सुनाए, तो वही तुम्हारा अवतार हो गया है। अब यहाँ तुम मत रहो, घर छोड़कर जाओ। तो मैंने कहा घर छोड़कर जाएं तो भोजन वोजन कहाँ मिलेगा? अरे बोले, भोजन की चिंता तुम्हें, तुम्हारे नाम से तो और हजारों लोग भोजन खाएंगे। तुम जाओ तो यहाँ से निकलो। तो आज वास्तव में याद आ रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है। कम से कम 4-6 हजार लोग डेली भोजन खा रहे हैं। 10 हजार तक लोग आज भोजन कर लेंगे। पूरे गांव के लोग भोजन करेंगे। इतने तुम सब आए, तुम्हारे सबके लिए भोजन का इंतजाम है। 9 क्विंटल आटा माड़ा गया है, 4 क्विंटल शक्कर की बूंदी बनी है और 200 क्विंटल सब्जी आई हुई है। ऐसा सत्संग मिल जाए जहाँ भोजन भी मिलता हो, तब तो परिवार सहित जाकर बैठ जाइए और घर का चूल्हा चक्की बंद कीजिए, आराम से खाइए पीजिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं धन्यवाद देता हूँ अखिलेश सिंह प्रधान जी को। खड़े हो, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करो और कहो कि सब लोग भंडारा ग्रहण करेंगे। अभी इनकी 33 साल उम्र है, ज़्यादा उम्र भी नहीं। तो मैंने इनसे पूछा, इतनी उम्र में सत्संग की तरफ रुझान कैसे हुआ? और बोले, ये तो किस्मत की बात है। ऐसे तो मैं मानता वानता नहीं था, लेकिन बड़ी शांति मिलती इससे। आज बता रहे थे मेरे से, कह रहे थे रात में जब नींद नहीं आती है तो आपका प्रवचन चला देता हूँ, और ऐसा प्रवचन मुझे बेहोश करता है। बस 20-25 मिनट सुन पाता हूँ, मोबाइल अलग पड़ा रहता, हम सोते रहते। तो मैंने कहा प्रवचन बेहोश भी कर देता है? बोले, बहुत गहरी नींद आती है, बड़ा सुख मिलता है। वास्तव में जिनको ज़्यादा नींद आती है कुंभकर्ण जैसी, उनकी नींद को प्रवचन कम भी कर देता है, और जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती है चिंता में, उनकी नींद को प्रवचन बढ़ा भी देता है। प्रवचन तुम्हें बैलेंस में जीना सिखा देता है, संतुलन में रहना सिखा देता है। साहिब बंदगी कहो, साहिब तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। ये पंक्तियां तुम ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही राम मेरे कन्हैया, तुम्ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम्ही हो। तुम्ही राम मेरे कन्हैया, तुम्ही हो जीवन की नैया के केवैया, तुम्ही हो। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को सब गाइए, देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते,
सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, तेरे गीत गाते, गीतों की माला के रचिया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो, गीतों की माला के रचिया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो, तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। न जानू मैं भक्ति न जानू मैं पूजा, शिवा तेरे सदगुरु नहीं और दूजा, नसीबों की मेरे रचिया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता सब गाइए, तुम्ही देवता हो। श्रोताओं की तरफ से थोड़ी थोड़ी आवाज माताओं की तरफ से तो आती है, पर पुरुषों की तरफ से बिल्कुल सुनसान शमशान है, सन्नाटा है। थोड़ा गुनगुनाइए, गाइए। कल मैंने गवाया था आपसे, आपकी आवाज़ भी अच्छी है, माताओं से भी अलग गवाया था, आज फिर से आपको गाने का मौका दे